हेलो इंडिया जी, गुड मॉर्निंग। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। क्या सब हम सब बहुत ज्यादा बढ़िया। आज है भाई 6 वाला नवरात्र, 6 नवरात्र हो चुके हैं। नवरात्रों की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तू भी बोल रही है, कैसे बोला मैंने? हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग। हम बहुत ज्यादा बढ़िया है, हम बहुत ज्यादा बढ़िया है। एंड कल आपको ना हमारा घर आज सुना सुना दिख रहा होगा, क्योंकि कल सुन काका सुनो, एंड सारे ना माता चल चुके हैं। पिछला ब्लॉग आपने देखा ही होगा, एंड उस टाइम ना राधिका इतनी ज्यादा रोई तुम। एंड एक सब्सक्राइबर भाई जी आए थे और इसको ना हैंगिंग वाला पर्स लेके आए थे इसके लिए, तब से भाई थोड़ा बहुत खुश है। तो अभी लक्की कर रहा है सफाई और नानी बना रही है अंदर खाना, और मेरा काम है कि आज ना गाय माता को देखना, उनको पानी घास सारा डालना। मतलब काम हमने ना डिवाइड कर लिया, और 12-1 बजे मामा और मामी भी आ जाएंगे। भाई ये काम सारे करता है, दूध भी निकालता है, झाड़ू भी लगा लेता है, खाना भी बना लेता है, इसका ठीक है। अभी दोस्तों मैं और राधिका भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करके वापस आ चुके हैं। आज मंडे है भाई, मंडे के दिन कैसे हो सकता है कि भोलेनाथ हमें ना बुलाएं। और आपको बताया ना, पीछे एक हफ्ता कंटिन्यू बारिश हुई है ना, उस टाइम ना मतलब मौसम इतना ज्यादा ठंडा हो चुका था, मतलब अंदर अगर हम जाते हैं ना बैठने के लिए तो हमें कंबल लेके सोना पड़ता था। और अभी देखो 3-4 दिन खत्म हो चुके हैं ना बारिश हुए, अभी जो गर्मी पड़ रही है ना डे बाय डे, इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है ना, अभी पंखे को लगा के बैठना पड़ता है। और अगर हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं ना धूप में, इतनी ज्यादा गर्मी लगती है भाई, क्या करें। अभी गर्मी वाला मौसम आने वाला है और मुझे भी लगता है कि घूमने के लिए निकल जाना चाहिए। अभी है 15-20 दिन, मैं रुक लेता हूँ घर पे, फिर निकलेंगे, एक साथ ही निकलूंगा। अभी 6 महीने की यात्रा करके आऊंगा। और आपको बताया ना, गौ माता कल से खाना नहीं खा रही है, घास नहीं खा रही है ना, तो कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, पता नहीं क्या हो चुका है। अभी मामी मामा भी आ चुके हैं, अभी मामा फिर से इसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करेंगे। भाई गर्मी है वो, अभी ठीक है, इतना बुखार फील तो नहीं हो रहा है इसे, ठीक है, अभी थोड़ी ठंडी लग रही है। ठीक है, अभी मेरी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, मामी मामा ना पूरी रात ना मतलब वहाँ पे चलना पड़ता है, रात को मतलब सोए नहीं है प्रॉपर, तो सारा काम अभी मेरे को ही करना पड़ेगा। इन्हें पानी पिलाना है थोड़ा बहुत, वो भैंसे को नहलाना भी है, बड़ी सेवा करनी पड़ती है यार इनकी, तब जाके ये बड़े होके दूध देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे आप घर बैठे खेल के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। इस ऐप का नाम है रमी बेल्ट। इसे कैसे खेलना है चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों मैंने अपने फोन में रमी बेल्ट ऐप ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं अपना नंबर रजिस्टर कर लेता हूँ, और इसी के साथ मेरे को साइन अप करते ही 40 रुपीज का वेलकम बोनस मिल जाता है, एंड मैं इसमें 3000 रुपीज एड कर लेता हूँ। मैं आपको एडवाइस करता हूँ मिनिमम आप 1000 रुपीज एड करें इसमें, जिसमें आपके विनिंग चांस बहुत ज्यादा हो जाते। तो दोस्तों मैंने अपनी फर्स्ट बैट लगा दिया 100 रुपीज की, और इसी के साथ हम जीत चुके हैं 30 रुपीज अपनी फर्स्ट बैट में। और सेकंड बैट लगा दिया मैंने 200 रुपीज की, और इसी के साथ हमने जीत लिया 60 रुपीज। और थर्ड बैट भी लगा दिया मैंने 300 रुपीज की, क्योंकि हम कंटिन्यू जीत रहे हैं, तो इसी के साथ हमने 90 रुपीज जीत लिए हैं। एंड अगर आप इसमें हारते हो तो आपको अपना अमाउंट डबल कर देना है। एंड फोर्थ बैट में लगाने वाला हूँ 400 रुपीज की, और इसी के साथ हमने 120 रुपीज जीत लिए हैं। एंड फिफ्थ बैट लगाने वाला हूँ मैं 500 रुपीज की, और इसी के साथ हमने 150 रुपीज जीत लिए हैं, वो भी विद इन 30 सेकंड में। तो दोस्तों जीते हुए पैसे अपने अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। इसमें पैसे विद्रॉ करना बहुत ही आसान है, आप UPI पेटीएम के थ्रू विद्रॉ करवा सकते हो। और अगर आपको 40 रुपीज का वेलकम बोनस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप रजिस्टर करिए और आपको मिलेगा 40 रुपीज का वेलकम बोनस। बेस्ट ऑफ लक जीतने के लिए। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है शाम के 4:30, और चाय अपनी हो चुकी है। आपको बताना शाम की चाय हम सारे इकट्ठे होके पीते हैं, उसके बाद रात को इकट्ठे होते हैं। और आज अपनी राधिका बहन भी जा रही है, और राधिका बहन को मैंने छोटा सा गिफ्ट करा है। काका दिखाना बैग, ये तेरी तरह ही है, इस सेम राधिका आगे पीछे, इधर दिखा। तू घर जा रही है आज, कब आएगी वापस? छुट्टी कब पड़ेगी तेरे को? हैं? जनवरी महीने आएगी, ऐसे मत करो, ठीक है टूट जाएगा, चलो ठीक है पैक कर लो ये। एंड कितना मस्त लग रहा है ना, सेम उस पे कलर ना सूट कर रहा है पूरा ना। छोटा भाई दीपू भी घर जा रहा है, इसको मैंने ना ब्लॉग में बड़ा कम दिखाया है, क्योंकि ये ज्यादा ना इंटरेस्टेड ही नहीं है ब्लॉग में आने के लिए, और ये ना फर्स्ट आया दीपू तू। और इसको मैंने ये वाला बैग गिफ्ट करा है फर्स्ट आने पे, और ये वाला ट्रक भी दिया है, ठीक है ट्रैक्टर, इसी में जाना स्कूल, ठीक है। और राधिका तेरे को क्या दिया मैंने? कपड़े उल्टे सीधे ही है ना, कब आएगी तू वापिस? और राधे राधे शाम बोलो एक बार, कैसे? ठीक है मैं तेरे को लेने आऊंगा महीने के बाद, ठीक है, हैं? जनवरी महीने। अभी ना इन्हें घर छोड़ने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन्हें ना 20 दिन हो चुके हैं, अभी इनकी एडमिशन होनी है, फिर से 1 महीने के बाद छुट्टी पड़ जाएगी, फिर से हमारे घर आ जाएंगे ये। जून महीने आना है, बोल रही है जून महीने आना मेरे को लेने के लिए। एंड बहुत ज्यादा शरारती है सच्ची यार, हमें बताया कैसे संभालते हैं इन्हें, मतलब एक बंदा घर पे ना 24 घंटे होना चाहिए इन्हें संभालने के लिए। फाइनली इनकी मम्मी ने भी बोला है घर वापस आने के लिए, और देखो पटाखे भी अपने घर लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की ओर छोड़ना, ठीक है, क्या है इसमें?
अच्छा सुरी सुरी नहीं अस्तवाई ये पाकिस्तान की ओर छोड़ना ठीक है लगा दो। और राधिका के पर्स में ना कितने सारे पैसे हो चुके हैं राधिका कितने हुए दो। चलो और डालो जे लो ये भी डाल लो ठीक है ले तू भी ले भाई कितने हुए कितने हुए तीन हुए ठीक है इसे बंद करके रख ले ठीक है स्कूल लेके जाना है। दिख रहा है इनको कितनी जल्दी है घर वापिस जाने की बट इनके साथ जो सामान जाना है ना थोड़ा बहुत लेके भी जाना है वो अभी मामी घर पे मतलब इकट्ठा कर रही है कि कौन कौन सा सामान लेके जाना है। और ये देखो ये गाड़ी पे पहले ही बैठ चुके हैं बाकी सामान कहाँ पे आपका अंदर। बाकी सामान कहाँ पे है आ रहा है सब कुछ पैक हो चुका है अच्छी तरह अभी निकलने का टाइम हो चुका है। ओए नानी को बाय बाय तो बोल दो काका बाय बाय ये आगे इसलिए बैठे हैं कि इनको आगे वाली सीट ना ऑक्यूपाई करनी है पूरी बट मैं आगे कोई नहीं बिठाने वाला हूँ पता है तू बैठना है नहीं तेरे को पीछे बैठना पड़ेगा सच्ची दो दो बैग क्यों पहने हुए हैं अरे गंदे हो जाएगा तब तक घर पे ठीक है मामी को बाय बाय बोलो पहले बाय करो ठीक है बोलो जून में आएंगे ठीक है मैं भी जुलाई में आऊंगी ठीक है चल रहे हैं भाई साहब बच्चों के साथ रह रहे के ना अभी मेरे को पता चल गया कि बच्चों को कैसे शांति से बिठाना है इन्हें कुछ ना कुछ देते रहना टाइम टू टाइम एंड जो शांति से बैठे रहेंगे आहिस्ता खाओ आहिस्ता कहाँ पे मामा जोर से आवाज लगा मेरी बहन अपने घर पहुंच गई मजा आ रहा है अभी कब आएगी अभी हमारे घर जून महीने ठीक है मैं चलूं फिर घर को अपने बाय 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 करो फिर बाय। तो फाइनली दोस्तों मैं राधिका और दीपू को छोड़ के आ चुका हूँ अभी देखो हमारा घर घर नहीं लग रहा यार ऐसे खाने को पड़ रहा है बड़ा खामोश सा है एंड जब बच्चे थे ना आवाज आती रहती थी हंसने रोने वाली एंड देखो बच्चों के बिना घर कैसा होता होगा यार सोचो एंड फाइनली बड़ी जल्दी आएंगे वो वापस एंड देखो बड़ी यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि घर में कोई है नहीं है बट है सारे है, कोई बोल ही नहीं रहा सारे फिर मैच्योर है ना बड़े हो चुके हैं बच्चे बच्चे होते हैं और मेरी नानी यहाँ पे खाना बना रही है नानी तेरी ना भी सहेली मिली उधर एक तेरी एक बचपन की दोस्त मिली लगा। अच्छा तेरी ना एक कोई बचपन की ना तेरे कोई मल्ले दी उधर दी एक के बोला दादी मिली उधर ओ हाँ ओ, 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 सादा गई है हाँ बोल रही थी तेरे बचपन से इकट्ठे घूमते रहे दो हाँ हाँ तो भाई नानी की ना कोई बचपन की मेरे को ना फ्रेंड मिली थी थोड़ा बहुत बता रही थी नानी के बारे में सोचो यार मतलब नानी का बचपन क्या बोले कम से कम 70 साल मान के चलो 70 साल पुरानी दोस्त मिली थी नानी की एंड पूछ रही थी नानी के बारे में फिर ठीक है भाई नानी खाना बना रही है क्यों डिस्टर्ब करना गर्मा गर्म रोटियां